नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी में वीडियो के जरिए युद्ध बढ़ गया है, तेज हो गया। आज बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान का वीडियो जारी कर ये बताया कि किस तरीके से कांग्रेस नेता पीएम मोदी को गाली देते आ रहे हैं और इसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस हार जाती है। जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो जारी कर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने गोस्वामी तुलसीदास के दोहे के साथ इस वीडियो को जारी किया, जिसका मतलब ये है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। तो वीडियो के माध्यम से अब सियासी वार हो रहा है एक दूसरे पर। बीजेपी ने वीडियो जारी किया और कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को गाली देती है तो वहां पर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अब ऐसे में एक और वीडियो कांग्रेस ने जारी किया गोस्वामी तुलसीदास के। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोहे लिख के उसमें कहा गया है कि दूसरों पर आरोप लगाना मुश्किल है, आसान है, और खुद पर उपदेश देना जो है वो अमल करना मुश्किल है, और दूसरों पर आरोप लगाना बेहद आसान होता है, उपदेश देना बड़ा आसान होता है। वीडियो डालकर जिस तरीके से सियासी बयानबाजियां हो रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने वीडियो जारी किए हैं। गुजरात चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग होने जा रही है और वोटिंग से पहले कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर शुरू हो गया घमासान। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।